अनलॉक एक में 8 जून को पूरे देश में धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, तो वहीं हरियाणा में भी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि गुड़गांव और फरीदाबाद में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। चंडीगढ़ स्थित सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास पर हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुड़गांव और फरीदाबाद में फिलहाल धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि बैठक में 3 मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थल खुलेंगे। मंदिर, मस्जिद और चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। कोई जागरण, नमाज और संडे को चर्च में इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। इससे पहले मंदिर मस्जिद के प्रबंधकों की ओर से सफाई व्यवस्था की गई। साथ ही मंदिर के पुजारियों को उम्मीद थी कि 8 जून को सरकार मंदिरों को खोलने के आदेश जारी करेगी, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इन दोनों जिलों में अभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।